क्या किया? पता है बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, लेकिन शायद ये वीडियो पहले आ सकता है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये सूट पहन रहा हूँ यार। मतलब इतना सुकून मिल रहा है ना कि इसको तो लग रहा रहेगा भाई मालक चला गया, इतने दिन से दिखा ही नहीं क्योंकि कवर्ट में रहता है अंदर। बट फाइनली अभी अचानक भयानक, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। अचानक भयानक प्लान था हम लोग का पुणे जाने का, तो लेकिन कोई था नहीं रेडी। सो एक पंटर को मैंने लेकिन रेडी किया है कैसे कैसे करके, छुट्टी वगैरह लेके, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं लोनावला। छोटा सा राइड है बट बहुत सारे रील्स जो कासवी फ्लावर फेस्टिवल के लिए आ रहे हैं उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस किया मेरे को, इतना इन्फ्लुएंस किया है कि भाई साहब मेरे को बहुत मन कर रहा था। सो एनीवेज हम लोग पुणे जा रहे थे तो सोचा चलो वही रूट है तो एक स्टॉप ले लेते हैं। बट अभी ऐसा हो गया कि पुणे वाला प्लान कैंसिल हो चुका है, तो बट स्टिल वी हैव द अदर प्लान इज़ गोइंग ऑन। बाय द वे बहुत सारे ब्लॉग्स पेंडिंग है, बाइक बहुत अपग्रेडेड आपको दिख रही होगी अभी, टॉप बॉक्स वगैरह सब आ चुका है अभी, लेकिन ये ब्लॉग मैं शायद थोड़ा पहले डाल सकता हूँ बिकॉज ऑफ दैट फेस्टिवल, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। बाकी बहुत सारे बैंगलोर है जैसे मैंने पहले बोल चुका था, तो होप सो ये वाला व्लॉग थोड़ा जल्दी है तो ये व्लॉग के बाद, लेकिन बहुत बहुत जल्दी ट्राई करूँगा मैं और सारे व्लॉग्स देने को आपको बहुत जल्दी, तो कीप वॉचिंग। तो बेसिकली हम लोग बहुत थोड़ा सा घाई में तो थोड़ा स्किप हो गया, जो मैंने बोला था एक पंटर आने वाला है वो ज्वाइंट हो चुका है। यहाँ पे शायद आपको मिरर में दिखे अरे मुंह ढका हुआ है। तो अभी यहाँ पहुँचे हैं हाईवे पे, ओल्ड पुणे हाईवे ऑफ कोर्स, और यहाँ से शायद लगना चाहिए 1.5 से 2 घंटा। विषय ऐसा है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं जगह खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता जो है वो अपनी बंसी मैडम ने लाया हुआ है, बस कोई तो अच्छा सा व्यू मिले जहाँ पे बैठ सके हम लोग तो मज़ा आ जाए एकदम। मौसम का अपडेट फिलहाल तो धूप खिली है मस्त, आई होप ऐसे ही पूरा रास्ता कटे जाते वक्त आते वक्त। घाट वाला रास्ता किसको नहीं पसंद यार, मजा आया तो। पानी गिरा क्या ऑयल पता नहीं साला, कुछ तो गिरा था। एक मिनट के लिए मेरे पड़ गई, बोला क्या है पक्का। तो नाश्ता ब्रेक हो चुका है यहाँ का, मस्त मस्त व्यू लेके अभी यहाँ से आगे के लिए उड़न छूते चले। हाय 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 हाय, ये रहा स्वर्ग। बाय द वे ये मौसम मेरे लिए नया नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अम्बोली से हूँ, तो ये चीज नॉर्मल है मेरे लिए। बाय द वे हम लोग पहुंच गए हैं टाइगर पॉइंट लायन पॉइंट, ये इसमें कंफ्यूजन है मेरे को, पता नहीं व्हाट एवर, लेकिन जिस हिसाब से क्राउड जा रहा है ना
वो जो रोड पे क्राउड दिख रहा है ये डेफिनेटली लायंस पॉइंट और इसका नहीं है, ये पूरा का पूरा क्राउड मेरे को लग रहा है वो कासवी फेस्टिवल का ही है, कासवी फ्लावर फेस्टिवल। फूल दिखना तो चालू हो चुके हैं, ये देखो फूल तो आए हाय है वैसे, ये हमें जाना है आगे तो यही है ना वो। आई ग जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पे पागलों जैसे घर दिए यार, मतलब क्या है ये। ये इतना ही है कि और कहीं पे होगा और आगे देखे क्या, आगे जाके एक बार राउंड मार के आते क्या, रुकना देखते ना एटलीस्ट। देख लोग है ना ऊपर भी जा रहे बंसी, तो प्रोबेबली आगे भी हो सकता है ऐसे ही कुछ, तो लेट्स सी अगर यहाँ पे नहीं तो वहां पे मिल ही जाएगा कुछ तो। फाइनली थोड़ा सा आगे आके हम लोग को कम कर दी, और लोग जा रहे आगे देख के आते क्या, और थोड़ा कम कर दी मिला तो। हाँ ये तेरी माँ के आगे तो। लेकिन ये खाने में अच्छे लगते क्या वंशी, जो 7 साल में एक बार आए वो 7 साल में एक बार जो आए वो खाने में अच्छे लगते क्या? नहीं सी ले जल्दी सी, खा रही है साली। क्या बनाते हैं यार। ओके हम लोग थोड़ा सा पीछे रुके थे सोच के कि मेरे को नहीं लगता आगे और कुछ रहेगा, लेकिन लेकिन ये जो व्यू है लोग बहुत है ठीक है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते उसको। तो थोड़ा सा रिस्क लेके गाड़ी डाल रहे अपन ऑफ रोड। अच्छा कहावत नाइस, बाइक का आज एक्सट्रीम मेरे को लगता है मैं ऑफ रोडिंग कराऊंगा। अच्छा गावा डुक्कर मेरे को अभी रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं डीएसएलआर क्यों नहीं लाया मेरा। हे ये है व्यू, इसे कहते हैं व्यू। किसी का तो शायद प्री वेडिंग चल रहा है, क्या परफेक्ट उन्होंने प्लेस और टाइमिंग क्या परफेक्ट चुना है, एक नंबर। हाय 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 नाइस वन, वर्थ, टोटली वर्थ इट। मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि ये जो सीजन है ये अभी बहुत ज्यादा वायरल हो चुका रहेगा, और उसके चलते ही जो आपको वहां पे जो इतना भीड़ दिख रहा है वो उसी के वजह से है। और जहां पे भी आप देखो एकदम मेरे को कोने में भी मेरे को लोग दिख रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं भाई साहब। लेकिन कितना भी गर्दी हो ये इनफ स्पेस है, मैंने जो पहले जो देखा था वहां पे थोड़ा सा गर्दी था डेफिनेटली, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटे से जगह पे इतने ज्यादा लोग थे। लेकिन अभी जो ये प्लेस है मेरे को लगता है इनफ है, जहां से आप
अच्छा खासा रील या वॉट एवर यू वॉन्ट टू शूट, बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे। आप अभी पता नहीं मेरे को कितना टाइम ये चलने वाला है, मेरा व्लॉग आने के बाद तो क्या ही पता कितना टाइम रुके गए, बट मैं ये व्लॉग जितना जल्दी हो सके उतना डालूंगा। और ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप देख सकते हो कितना सही व्यू आ रहा है, पूरे पूरे मतलब जहां तक मेरी नजर जा रही है मेरे को वो फूल ही फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत सही, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा ऐसे फूल वाली जगह पे, और वो भी इतना पास में मुंबई के, तो डेफिनेटली। और यार क्या मशीन है ये, एक नंबर, मजा आ गया यहाँ पे। इसे कहते हैं चेरी ऑन द केक। मस्त मौसम तो था ही, लेकिन अभी थोड़ा सा फॉग का भी और एड ऑन बोल सकते हैं हम लोग, बादल 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 और फॉग अलग होता। देख 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 देख, देख। थोड़ी देर पहले का विजिबिलिटी और अभी का विजिबिलिटी में इतना फर्क हो गया, मौसम देखो। हो देख एक ये देख पब्लिक बहुत हार्ड है लेकिन यहाँ पे लेकिन आई गेस हम लोग जो टाइमिंग पे यहाँ पे पहुँचे थे दैट वाज अ परफेक्ट टाइम यहाँ पे आने का। और अभी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ आजू बाजू के जो फूल है वही दिख रहे हैं। अभी ये कब क्लियर होगा भगवान जाने। सी ये फोटोशूट। ओके पब्लिक, यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। बहुत 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 सही मज़ा है यहाँ पे, बहुत सारे रील्स बनाए मैडम ने भी, बहुत सारे रील्स बनाए मैंने भी बनाए। अगर ये रील्स आपको देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फटाफट फॉलो करो, इंस्टाग्राम चैनल थोड़ी होता है इंस्टाग्राम आईडी पे फटाफट फॉलो करो, एंड वहाँ पे भी बहुत मस्त मस्त कंटेंट मिलता है, तो नीचे मेंशन है अगेन। और यहाँ से अभी वापस रिटर्न का जर्नी है, क्योंकि आगे का प्लान मैंने जैसे बोला था कैंसिल हो चुका है। आई होप कि बीच में और भी कुछ मज़े शायद हम लोग करें, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। आगे देखते रहिए, बने रहिए। रास्ता भटक गए थे हम लोग अभी राह दिखा रही है, क्या करना है, क्यों चल 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 चल, बहुत हो गया, मुझे भूख लग रहा है यार। कहाँ दिख रहा है, पक्का बंसी तू मेरे को अटकाएगी, अंदर जंगल है पूरा, ये वे साला जंगल में घुसा देती थी अभी मेरे को भाई साहब, ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। बंसी ये फ्लावर देखे क्या, एडवेंचर भी कर लिया हम लोगों ने थोड़ा, कुछ नहीं होगा उससे। क्या किया, पत्थर गया है
आगे वाला पत्थर कहाँ है क्या जगह? तो गाइज वेदर वापस चेंज हो चुका है और हम लोग वहाँ से निकल गए क्योंकि मन नहीं भर रहा था। जितना भी फोटोज निकालो, जितना भी वीडियोज निकालो, बट जितना भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया बहुत सही मजा है। बहुत मिस किया दोस्तों को, काश यार वो आ पाते, लेकिन ठीक है कोई नहीं। और थैंक्स बंशी साथ में आने के लिए। और आई और थैंक यू राह दिखाने के लिए, मतलब फंसाने के लिए भी और वापस वहां से निकलने के लिए भी। एडवेंचर हो गया एक छोटा सा। तो बढ़ती बारिश के चलते हम लोगों ने छोटा सा हॉल्ट लिया है। मजबूत ट्रैफिक जाम हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गया। लकीली हम लोगों को एक शेल्टर मिल गया था, जो शेल्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा रेन लाइनर वगैरह पहन लिया, मतलब जैकेट वगैरह सॉरी। तो अभी यहाँ पे कॉर्न पकौड़ा और मैगी जो यूजुअल होता है वो ऑर्डर किया है, अभी वो खा के अभी तब तक अगर लकीली बारिश कम हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो देखते हैं अगर तब तक हो गया बारिश खत्म तो ठीक है, वरना ऐसे ही निकलना पड़ेगा। बट ठीक है, ये भी एडवेंचर कर लेंगे ये ट्रिप में। तो गाइज अभी बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, मेरे को पता नहीं आपको मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं क्योंकि मैंने माइक डिस्कनेक्ट किया हुआ है, बारिश गिर रहा है। तो निकले अभी हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ पे रुके थे, क्या पता वो क्या था, लाइन पॉइंट था, टाइगर पॉइंट था, पता नहीं। बट बहुत मज़ा आया, अभी देखते हैं आगे जर्नी कैसे होगा। यहाँ से आगे मैं बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि माइक कनेक्टेड नहीं है, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। पहुंच गए अपने घर पे, घर के नीचे हूँ और अभी बहुत थक गए क्योंकि आते वक्त इतना ज़ोरदार बारिश हो रहा था कि क्या ही बताएं। मैं वीडियो तो शूट किया हूँ लेकिन ऑडियो नहीं आया रहेगा क्योंकि मेरे को माइक डिस्कनेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं होता माइक के साथ कैमरा। एंड लेकिन आज का दिन जो गया है लेकिन आया है एक नंबर मज़ा आ गया। जो व्यू वहाँ पे मिला है वो एकदम मेसमराइजिंग था और बहुत सारे मेमोरीज मिले वहाँ के और बहुत परफेक्ट टाइमिंग मैं कहूँगा, क्योंकि जब तक हम लोग वहाँ पे गए तब तक मौसम एकदम सुहाना था और जब वहाँ से निकले तभी ये हाल है। जैसे कि 5 बजे अभी और आप देख सकते हो कि कितना अंधेरा हो गया, ये 5 बजे के नज़र है। तो लेकिन बहुत खुश हुआ मन ऐसे जगह पे जाके क्योंकि इतना नेचर्स गिफ्ट वी कैन से जो अपने को बहुत रेयरली देखने मिलता है। 7 साल बाद समथिंग कुछ ये फूल खिले थे वहाँ पे। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, बाकी आपको रील्स और वीडियोस वगैरह तो आपको देखने मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, उसके लिए नीचे लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। एंड ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, थैंक यू। बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, आई नो आपको थोड़ा सा गाड़ी मेरा अलग लग रहा रहेगा अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे अपग्रेडेशन के भी वीडियोज़ मैंने शूट किए हैं, वो भी आने वाले हैं तो वो सारे वीडियोज़ भी देखना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन योर रिव्यू। तब तक के लिए बाय बाय।